जी तो स्टार्ट करते हैं डे 4 ऑफ रेमेडियल क्लासेस. द टॉपिक ऑफ टुडे इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन किसे कहते हैं बेटा? पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का कुछ हिस्सा रिप्रेजेंट हो रहा हो वो फ्रैक्शन होता है. जैसे आप बोले ना कि फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स लव यूज किया जाता है कि इनका कुछ हिस्सा स्टूडेंट्स में से कुछ लोग फलाना चीज ऑप्ट करते हैं, कुछ लोग कॉमर्स में जाते हैं. तो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एनी सब्जेक्ट. सो इस तरीके से पार्ट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड फ्रैक्शन. फॉर इंस्टेंस आपके सामने एक सर्कुलर केक मौजूद हो और आप इस केक का के टोटल चार हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो निकालें और खा जाएं. आपने इस केक का फ्रैक्शन के मुताबिक 1/4 खा लिया. हाउ वी मेक अ फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज अ फॉर्म ऑफ नंबर दैट कंटेन टू थिंग्स. नंबर वन, इट हैज़ बेसिकली फ्रैक्शन के भी समझ लो. फ्रैक्शन खुद मैंने कहा कि पार्ट ऑफ समथिंग की बात कर रहे हैं, और अब मैं बात करूंगा कि फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं. तो पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस दो होते हैं बेटा, टू पार्ट्स. पर वो दो पार्ट्स क्या हैं? नंबर वन, अगर आप इस फ्रैक्शन को नोट करो तो इसमें ये एक ऊपर वाला हिस्सा है और एक नीचे वाला हिस्सा है. ये दोनों इंटीजर्स होते हैं. फ्रैक्शन में कभी आप इस तरह लिखे नहीं देखोगे कि 0.24/0. या 3.4 कभी आपने फ्रैक्शन को इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देखा होगा. मतलब जब भी कभी फॉर्म में देखा है तो इस फॉर्म में नहीं देखा. इसलिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि इसके अंदर डेसिमल नहीं होता. ऐसा है या नहीं? कभी 0.24/3.4 इस तरीके से लिखा हुआ देखा है फ्रैक्शन को? नहीं देखा ना. इसका मतलब इसमें ऊपर और नीचे वाली जो भी वैल्यूज होती हैं दे ऑल आर इंटीजर्स. ये हमेशा क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनी नंबर. और इसकी दूसरी खासियत यह है कि इसके जो दो पार्ट्स हैं उनके अलग अलग नाम हैं. ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं बेटा. और नीचे वाले पार्ट को आप क्या कहते हो? डिनोमिनेटर. अगर मैं इसमें से, इस केक में से ये हिस्सा भी खा जाऊं तो मैंने कितना केक खा लिया? 2/4 या आधा केक मैंने खा लिया? बात एक ही है. क्योंकि 2/4 को जब आप किसी सेम नंबर से इसके दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दोगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो क्या बनेगा ये? 1/2 आ जाएगा. इसका मतलब हाफ ऑफ द केक जो है वो हमने इसको खा लिया. ठीक है बेटा, फ्रैक्शंस की खासियत यही है कि दो अलग अलग नंबर्स भी नजर आ रहे होते हैं बट दे रिप्रेजेंट द सेम थिंग. जैसे 2/4 हो गया और 1/2 हो गया, ये दोनों सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ऐसा है या नहीं? तो इनको हम पता है क्या कहते हैं? ये 2/4 और 1/2, इनके लिए एक लफ्ज यूज होता है और वो लफ्ज है दैट दे बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आप इन्हें क्या कहते हो कि ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये एक डेरी मिल्क है, डेरी मिल्क में ऐसे बॉक्सेस होते हैं ना बने हुए, ठीक है, 100 वाली डेरी मिल्क,
इसमें से आपने जो है ना वो ये तीन पार्ट खा लिए, आपने इस डेयरी मिल्क का कितना फ्रैक्शन खा लिया बताएं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप टोटल बॉक्सेस काउंट करें एंड दैट विल बी अवर डिनोमिनेटर। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, मैंने 10 यहाँ लिख दिया डिनोमिनेटर में बेटा। डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल पार्ट्स आते हैं बेटा, ठीक है। और ऊपर क्या रखेंगे, उसमें से सिलेक्टेड पार्ट्स। तीन का है तो तीन ऊपर आ गया, तो 3/10 इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन ऑफ द सेक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ द डेयरी मिल्क दैट आई हैव इट। सिमिलरली अगर पूछा जाए कि भाई कितनी फ्रैक्शन ऑफ द डेयरी मिल्क मैंने नहीं खाई, तो वो क्या होगा, 7/10। और अगर मैं सारी खा गया, 10/10, मतलब क्या आया आंसर, 1। फ्रैक्शन की एक खासियत बताऊं कि भाई इसका आंसर 10/10 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए और लिखा हुआ है, क्योंकि आप मुझे बताओ ना, 10 में से 10 हिस्से मैं खा सकता, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसी डेयरी मिल्क की सिचुएशन में कोई बंदा आके कहे कि नहीं भाई तुमने जो खा डेयरी मिल्क खाई ना वो 11/10 है, क्या ऐसा मुमकिन है। 10 मौजूद है, 11 में खा लो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। तो ये याद रखना, जहां तक पॉसिबल था, जैसे कि 10/10 वो भी फ्रैक्शन ही रहेगी ना, 10/10 लिखूंगा तो वो फ्रैक्शन रहेगी नहीं, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर फाइनल मैं इसको कंप्लीटली खा जाऊं, सारे पार्ट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए, खा लिए, तो आंसर आएगा 10/10। अगर मैं इसको कंप्लीटली खा गया तो 10/10 क्या कैंसिल आउट होकर 1 नहीं आ जाएगा, यानी मैं कंप्लीट पूरी हूँ, तो फ्रैक्शन तो कैंसिल हो गई 10 तक जब मैं पहुंचाऊँ। लेकिन उससे पहले अगर मैं 9th पार्ट तक खाता तो मेरे पास 9/10 फ्रैक्शन की फॉर्म ही रहती। तो बेटा 11/10 इस केस में पॉसिबल नहीं है, बट हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस आ जाती हैं, ऐसी फ्रैक्शन को जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना, जिसके अंदर एक जो गलती है वो क्या है कि इसके अंदर हमारा न्यूमिरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। ऐसी फ्रैक्शन को जिसमें न्यूमिरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, न्यूमिरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आ रही है ना बेटा नीचे वाली वैल्यू से, ऐसी फ्रैक्शन को जो लॉजिकली पॉसिबल भी नहीं है, ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ वो तो करते हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल अगर आपके पास फ्रैक्शन आए और उसमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि विच वन इज प्रॉपर विच वन इज इम्प्रॉपर, देन व्हाट विल बी अवर क्राइटेरिया। जी बातें नहीं करो और मुझे जवाब दो। मैंने कहा कि अगर पूछा जाए कि अगर कोई दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं और उनमें से आपको बताना है कि एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर, तो आपका जज करने का क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे बताओगे। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर है, और अगर न्यूमरेटर छोटा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बात याद रहेगी सबको, ठीक है।
अच्छा जी, एक चीज और है कि जब कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, अगर कोई फ्रैक्शन आई, लेट सपोज 22 अपॉन 46, एक फ्रैक्शन है ये, हम इसको फर्दर सिंपल कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, दैट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ऐसा है या नहीं है? कैसे कर हैं? किसी एक टेबल से कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं दोनों नंबर्स को। तो ये बताओ, टू सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट लेते हैं, तो टू का क्या आएगा? टू 11 ज़ार 22, और यहाँ पर टू 2 ज़ार 4 एंड टू 3 ज़ार 6, 11 अपॉन 23। क्या अब ये मजीद किसी से कैंसिल आउट हो रहा है? सो 11 अपॉन 23 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। ठीक है, सो 11 अपॉन 23 इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 22 अपॉन 46। इसी तरह अगर कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए, तो उसे सिंप्लीफाई करने के बाद भी अगर, लेट सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दी 11 अपॉन 10, हमने अभी बात की थी कि 11 खा गया, 10 साले के मौजूद थी, 11 खा गया, इम्प्रॉपर है। इस इम्प्रॉपर को हमें, हम कभी भी जो है ना, वो आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं छोड़ते। दैट्स अ रूल। रूल क्या है? हम आंसर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, और फिर हम उसे चेंज कर देंगे किसमें, हम इसको चेंज कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन, इसमें चेंज कर देंगे। इस रूल के मुताबिक मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं पता है? हम इसको डिवाइड करा देते हैं बेटे, 11 डिवाइडेंड के तौर पे आ गया, 10 डिवाइजर के तौर पे आ गया। आप बताइए, 10 1 ज़ार 10 हो जाएगा बेटे, क्या बचा? 1 एज़ अ रिमाइंडर बच गया। और फिर क्या होगा? 1। अच्छा, हम क्या करते हैं, देखो ये जो वैल्यू है ना, जिनको मल्टीप्लाई किया, अब 10 तो हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहता है, ठीक है? 10 हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा। हम जब इसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, इसका मतलब ये यहाँ पर आता है, ठीक है? और फिर 1 जो ऐड करते हैं फाइनली, वो रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, ठीक है? ये बात समझ आ रही है कि इसको कहाँ पे रखना है? अगर मैं आपको एक मिसाल दूं और मैं बोलूँ कि भाई इसे चेंज करके बताइए, जैसे कि (23/11), आपसे कह रहा हूँ उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो जल्दी से मुझे करके इसका जवाब देंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसका क्या आंसर आएगा? जी, 2 होल 1 अपॉन 11, बिल्कुल सही। खबर आपको समझ आया कैसे बना बेटे? 23/11, 2 होल 1 अपॉन 11 में कैसे आया? नहीं अटैम्प्ट किया आपने? बेटा कॉपी में करने का कह रहा हूँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, अटैम्प्ट करो साथ के साथ, आगे पूछो, कोई बात नहीं समझ आ रही। देखो बेटे क्या बताया था मैंने, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें उसे किस में चेंज करना पड़ेगा? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? आप इनको एक्चुअली डिवाइड करा दें। जब आप डिवाइड कराएंगे, 11 आपका इस जगह पर आएगा बेटा, डिविडेंड वाली पोजिशन पे, और ये डिवाइजर के तौर पर आ जाएगा। आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 आएगा आपके पास बचा 1,
अब आप क्या करते हैं बेटा, इसकी डिफरेंट आप देखोगे, आपको डिफरेंट ट्रिक्स नज़र आएंगी। कुछ जो है ना वो इस तरीके से करते हैं कि इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से बना देते हैं। कि देखो, आपने यहाँ पर लिखा जैसे 10 और यहाँ पर लिख दिया 10, ये तो सेम रहेंगे ना, फ्रैक्शन के जो नीचे के वैल्यूज थी वो सेम रहेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आपने 10 के बाद, अब आप देखो यहाँ से आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज जाओ, यानी 10 के बाद क्लॉकवाइज पहले 1 आया, तो ये वाला 1 आपने इधर मल्टीप्लाई किया और इधर रख दिया, और फिर दोबारा क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो अब क्लॉकवाइज आओगे तो पोजीशन बन जाएगी। तो टोटल 3 पोजीशंस होती है ना आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में, आपकी मिक्स फ्रैक्शन इस तरह से होती है। जबकि इसमें डिनोमिनेटर जो तो है ये फिक्स होता है हमेशा, ठीक है बेटा। कैलकुलेटर की जरूरत क्यों पड़ रही है, सिंपल सी कैलकुलेशन इसमें नहीं जरूरत पड़नी चाहिए। तो 23 11 किस तरीके से आया, ये समझ आ गया बेटा या नहीं? 23/11 2 होल 1/11 में कैसे चेंज हुआ? अब आपको अगर रिवर्स करना हो, जैसे कि 5 होल 3/7 लिखा है और आपको इसे चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, दैट्स अ मिक्स फ्रैक्शन जिसको आप इसको चेंज करना है इम्प्रॉपर में, तो कैसे करोगे? 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 इसमें ऐड करेंगे, तो 7 5 = 35, 35 + 3 38/7। समझ आई बात? अब ये आपको टास्क दे रहा हूं मैं, अब तुम्हारे पास एक और सवाल है, अब बताओ इसमें क्या करोगे, जल्दी से आंसर करो। ठीक है, तो क्या आ रहा है आंसर इसका? 9 3 27, 27 + 10 ऑल्दो टेक्निकली ये जो मैंने मिक्स फ्रैक्शन बनाई थी वो थोड़ी सी गलत थी, क्योंकि 10 ऊपर होना नहीं चाहिए। हाँ खैर, तभी बात एक ही हो जाएगी। खैर, तो मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये समझ में आ गए आपको या नहीं? सावर कोई परेशानी है बेटे? हाँ जी, शायद क्लियर हुआ है आपको, ठीक। अब बेटे फ्रैक्शन जो है ना वो सबसे बड़ी मुसीबत तब बनते हैं जब इनके ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए आओ, यानी कि हम कहाँ पर फंसते हैं, जब कभी हमें दो फ्रैक्शंस या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको मैं अगर इन शॉर्ट कहूँ तो हम इसे कहेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन
फ्रैक्शंस, तो कितनी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई होंगे ऑन फ्रैक्शंस। भाई जो काम किस सिंपल नंबर्स के साथ होता है वही सेम काम चलो जिंदा हो गया दोबारा जी। तो बात चल रही थी कि जो काम किसी सिंपल नंबर के सात ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो चारों फ्रैक्शंस के साथ भी इम्प्लीमेंट हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे अगर कोई दो फ्रैक्शंस आपको मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, 3/5 से, तो इसका तरीकेकार क्या है? इसका सिंपल सा तरीकेकार ये है कि आप चेक करेंगे कि क्रॉस में कैंसिलेशन पॉसिबल है क्या, 1 और 5 कैंसिल हो सकते हैं या 3 और 2 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अगर नहीं हो रहे तो सिंपली आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई करो और आंसर, जैसे कि 1 3 2 5 10। जी बेटे बताइए क्या है आंसर इसका मुसव्विर? हाँ जी कौन? भाई इसमें 5 और 9 कैंसिल नहीं हो रहे जी बेटा, कॉपी में नोट भी नहीं कर रहे हो आप? क्या आंसर आ रहा है? 6/7। हुआ
थोड़ा सा नहीं कि ट्रिप हो जाता है इसको मीटअप होने की वजह से हो रहा है यहाँ तो 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे जी। बेटे बेटा नहीं बैठ सकते अभी, रीज़न है यहाँ पे 11th के एग्जाम स्टार्ट होने हैं तो यहाँ पे सारी सीबीआई रूम अभी बचा हुआ है, बाकी सब रूम्स के अंदर जो है ना वो कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं क्योंकि 11th के एग्जाम यहाँ पे बोर्ड पड़ता है। ठीक है, अच्छा भाई मल्टीप्लिकेशन जैसे आप लोगों ने ये देखी तो इसका आंसर आपने सही बताया। अब जल्दी से मजीद दो मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चंस लिखूंगा, इनको आपने सॉल्व करके बताना है। जल्दी से ये थर्ड और फोर्थ इनके भी आंसर्स बताइए। नो नीड टू यूज कैलकुलेटर बेटा, ये आपको आना चाहिए। जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है थर्ड का। कॉपीज निकालें, जल्दी से अटेम्प्ट करें बेटे। जी पहले का आंसर, जी खावर आप बताइए क्या आया पहले का आंसर, कैसे थ्री वन आर थ्री थ्री आर टू वन आर टू टू आर, ऊपर नीचे जो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते। तो मैंने पहले किसको कैंसिल किया, मैंने इसको कंसिडर किया इसके साथ, फिर मैंने देखा ये अपॉन में टू लिखा हुआ है या फोर लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो सकते हैं तो ये मैंने देखो अलग अलग सिंबल बनाए यहाँ पे, एक को मैंने स्क्वायर बॉक्स बनाया, एक के लिए मैंने जो है ना वो तो ये जो कैंसिल हो रहे थे वो कर दिए, अब जो बच गए उनको फिर मल्टीप्लाई करो। तो 2 7s कितना आया 14 और नीचे बचा 5 3s 15। इसी तरह हम नेक्स्ट का आंसर बताओ बेटे। नो नीड टू मल्टीप्लाई डायरेक्टली, फर्स्ट सी क्या आपके पास इसमें कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है या नहीं है। जी बेटा सो 5 1s और 5 6s
और 9 1s are और 9 4s are, और फिर इनकी आपस में भी कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 2s are और 2 3s are. सो आंसर इज 3/2. ठीक. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन. आप ये बताइए सबको मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्लियर हो गई बेटा? ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिवीजन. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस बहुत इजी सी चीज है, कोई फर्क नहीं है, मल्टीप्लीकेशन की तरह ही है. बट इसमें क्या करते हैं, जहां डिवीजन सिंबल होता है उसके बाद वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं. मतलब अगर 1/2 लिखा है और डिवाइड बाय लिखा है 3/4, सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे कि ये जो डिवाइड सिंबल है ना, इसको बनाएंगे मल्टीप्लाई बनाएंगे इसे, और इससे अगली जो फ्रैक्शन है 3/4, इसका यहाँ पर हम क्या रख देंगे, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि ये 3/4 को हम बना देंगे 4/3. ठीक है, तो क्या रखा हमने यहाँ पे, रेसिप्रोकल. अब इसमें जब मल्टीप्लाई सिंबल बना दिया तो आप इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने मल्टीप्लाई वाले किए, यानी कि क्रॉस में एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो सकता है तो करो. जैसे 2 1s are और 2 2s are सॉल्व हो रहा है ना, तो क्या बच गया बेटा, 2/3 इज द फाइनल आंसर. अब अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई है तो बेटा अब आप इस वाले सवाल को जल्दी से सॉल्व करके दिखाएं. शाबाश. सिक्स अपॉन सेवन. कैसे, आपने सबसे पहले 3/5 लिखा, मल्टीप्लाई का सिंबल बनाया, 7/10 को 10/7 किया, यानी रेसिप्रोकल. और इसके बाद फिर कोई कैंसिल हो रहा था, 5 और 10 कैंसिल हो रहे थे, तो 5 2s are 10 आ गया, 3 2s are, तो फाइनल आंसर है 6/7. अगर तीन वैल्यूज हो, अब मैं बताता हूँ इसमें बातों का कंफ्यूजन हो जाता है कि 3/5 लिखा है मल्टीप्लाई बाय 4/7 लिखा हुआ है, लेट सपोज, और दोबारा डिवाइड का साइन आया और 11/10 लिखा. अब क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई है उसके बाद वाली फ्रैक्शन को चेंज नहीं करोगे, लेकिन जहां डिवाइड है उसके बाद वाली फ्रैक्शन को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे. बेटा लफ्ज भूला करो सब, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे. तो बताइए इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो जल्दी से अटैम्प्ट करें. शाबाश सब. अभी देख लेते हैं. जी भाई, 3 4s are 12, 12 2s are 24, अपॉन 7 11s are
77।